अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग। अरे झूठ बोल रहा है ये, झूठ बोल रहा है। ओह सॉरी, वेलकम बैक टू माय मंथली व्लॉग। जैसे जैसे आप लोगों को पहली वीडियो में मैंने बताया था, इसको बेस्ट लैंडर ऑफ पाकिस्तान बनाना है, तो फिर इसमें मॉडिफिकेशन अभी चल रही है और इसके रिम्स और टायर्स चेंज करवाए। सीन बिल्कुल नहीं था, मतलब इतना एकदम फौरन नहीं सोचा था कि इसके रिम्स भी लगवाने हैं। मैंने सोचा नए टायर लगवा लूँगा, लेकिन फिर जब उसकी दुकान में गए, बंदे ने पूरी दुकान खाली कर दी, अपनी सारे रिम्स निकाल के खोल दिए। बोला बस लेके जाओ, आज बिलाल भाई आप आए हो तो लेके ही जाओ। तो इसके स्टॉक रिम्स थे वो 16 इंच के थे, फिर वो उन्हीं को रिटर्न कर दिए और 17 इंच के अलॉय रिम्स लगवाए नए। और ये फाइनली गाड़ी में काम शुरू हो गया है। और ये जो आप रिम्स देख रहे हैं ना, ये ऑफिशियली हुंडई ने ये वाले रिम्स लगवा के दिए थे। भाई गाड़ी ऐसी हो जो बगैर टायरों के भी इतनी अच्छी लग रही है। अभी जितने भी रिम्स खोले थे ना वहाँ पे, अभी सारी एक एक करके लगा के देखते हैं, फिर डिसाइड करते कौन से अच्छे लग रहे हैं। नहीं, इन दोनों में कोई लुक नहीं आ रहा, क्योंकि वही क्रोम है जो अभी उतारे हैं ना, उसी तरह का क्रोम आ रहा है दोनों में। तो आई विल प्रीफर कोई ब्लैक पर जाऊँ। ब्लैक में एक ये वाला है, हाँ ये वाला लगा दो। और एक ये वाला है, ये भी स्टार टाइप है, अच्छा लग रहा है ये वाला। और क्रोम तो बहुत ही ऑफ लग रहा है यार, ये देखो क्रोम में ऐसा लग रहा है गाड़ी हुई सादी लग रही है, ब्लैक पर जाना चाहिए। ये वाले रिम्स जो अभी लगा रहे हैं ना, ये नई होंडा सिविक आई है अभी जो 2022 में, ये उसके रिम्स है। नहीं, ऑफ सीन्स पसंद नहीं आए। ये दे रहे हैं, चलो क्या कहते हो भाई, लोग अच्छा आ रहे हैं। तकरीबन कोई 10 किस्म के रिम्स लगा लिए, अब इतनी कन्फ्यूजन हो रही है ना, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। लगाते रहो भाई लगाते रहो। ये वाला, ये स्टार वाला दोबारा लगा कर देखा है ना, इसकी वाइब्स ही अलग आ रही है। मुझे लग रहा है कि यही फाइनल कर देना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट लगा के समझ नहीं आ रहा, अभी इन दोनों में भी कंफ्यूजन है। अभी इनको टायर के अंदर लगवा के गाड़ी में सेट करके देख रही है। सिल्वर तो बिल्कुल ही ऑफ कर दिए, वो टायरों पर लगा कर भी अच्छे नहीं लग रहे थे।
बस अभी ब्लैक वाले दो हैं, इनमें से एक डिसाइड करते हैं जल्दी से कौन सा रिंग लगाना चाहिए। आई गेस ये पीछे वाले ही अच्छे लग रहे हैं, तो इसी को फाइनल करते हैं बस और फिर चारों टायरों में लगवाते हैं। और रिम्स डिसाइड करते हुए इतनी मुश्किल हो रही थी, मतलब कोई समझ ही नहीं आ रहा था। बंदे ने बोला आप 10 टायरों के अंदर 10 रिम्स भी लगाओ ना अलग अलग तो कोई मसला नहीं है, मतलब उसने बहुत हेल्प करी। जो नई वीडियो आएगी उसमें जो मैंने बाकी चीज़ें मॉडिफाई वगैरह कराई है ना गाड़ी में, इंशाल्लाह वो आपको दिखाऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और गाड़ी के रिम्स भी बहुत पसंद आए होंगे। कमेंट में मुझे बताना किस तरह लगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। وهم الإخوان.